नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 8 दिनों से हड़ताल पर बैठी मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले हुई नर्सों हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि सभी नर्स अपनी हड़ताल को खत्म करते हुए तुरंत काम पर लौटें। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिए हैं कि नर्सों की हड़ताल करने की जो उनकी मांगें थीं उस पर भी कमेटी गठित कर उसका निराकरण करें। कोरोना संक्रमण काल में अपनी मांगों को लेकर नर्सों का हड़ताल पर जाना कहीं से भी ठीक नहीं है, लिहाजा इसको देखते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाओं में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हड़ताल पर बैठी प्रदेश भर की नर्सों को कल से ही काम पर वापस जाने के आदेश दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए पहले ही डॉक्टरों नर्सों की सेवा को अति आवश्यक बताया था, इसके बाद भी नर्सें हड़ताल पर चली गईं। हाईकोर्ट ने जहां कोरोना काल में नर्सों की सेवा को अति आवश्यक मानते हुए कल से वापस काम पर लौटने के आदेश दिए, तो वहीं राज्य सरकार से भी कहा कि नर्सों ने जितने भी दिन काम बंद कर हड़ताल की है उसका वेतन ना रोकें, मसलन ब्रेक इन सर्विस ना करें। इसके अलावा हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है कि नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर जो हड़ताल की थी उस पर भी राज्य सरकार विचार करे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के द्वारा दायर की याचिकाओं में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि नर्सों की मांग पर विचार हेतु डायरेक्ट हेल्थ वित्त सचिव की सदस्यता वाली 4 सदस्यीय कमेटी बनाएं, जो कि 1 माह में नर्सों की मांगों पर विचार का फैसला ले। नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा जो प्रदेश में स्ट्राइक की जा रही थी उसके लेकर एक जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच एवं रजत भार्गव जी द्वारा दायर की गई थी, उस याचिका में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपना सख्त रुख अपनाते हुए न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया है कि नर्सों के द्वारा जो की जा रही स्ट्राइक है वह अवैध घोषित की जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी करके जो डॉक्टर्स नर्सेस हैं इनकी सेवाओं को अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत समाहित करने का आदेश पारित कर दिया है। इसलिए न्यायालय ने आदेश किया है कि नर्सों की जो स्ट्राइक है इसको अवैध घोषित किया जाता है। नर्सों को ये आदेश दिया जाता है कि कल तत्काल प्रभाव से अपने काम पर लौटें। साथ ही साथ सरकार को भी आदेश दिया है कि चूँकि नर्सों की जो मांगे हैं उनका भी निराकरण होना अति आवश्यक है, इसलिए शासन को एक हाई लेवल कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं और हाई लेवल कमेटी को निर्देश दिए कि 1 माह के अंदर मांगों का निराकरण करके आदेश पारित करें। साथ ही साथ नर्सों के द्वारा जितने दिनों से स्ट्राइक की जा रही है स्ट्राइक के समय को न्यायालय ने नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया है कि उनकी सर्विस को ब्रेक इन सर्विस न माना जाए और जितने दिन हड़ताल रही है हड़ताल के समय का जो वेतन है उनके अवकाश से एडजस्ट किया जाए।